ओ चलो दोस्तों, फाइनली आखिरकार आज मजा आने वाला है। अपने पूल के अंदर नहाऊंगा मस्त तरीके से। और तुम लोग बताओ, तुम लोग कब नहाए थे लास्ट बार पूल के अंदर? चलो अपने पूल में। रहा मर गया मर गया मर गया। अरे तेरी ऐसी तैसी, इतना गर्म पानी, आखिर चल क्या रहा है भाई? भाप निकल रही है मेरे पूल के अंदर से। इतना गर्म पानी कैसे हो गया मेरा पूल का यार? इतनी तेज तो धूप भी नहीं निकल रही, जितना ज्यादा गर्म मेरा पानी हो गया है पूल का। समझ में नहीं आ रहा। अरे ये क्या हो गया? अरे ये तो मेरी पड़ोसन की आवाज है। चलो जाके देखता हूँ आखिर मेरी पड़ोसन को हो क्या गया है। अरे पड़ोसन क्या हो गया? किस तरह चिल्लाई? ओ पड़ोसन। अरे अरे इधर आओ जल्दी तुम भी। क्या हो गया? अरे मेरे पूल में जाके देख एक बार। क्या है तुम्हारे पूल के अंदर? उरी उरी अरा अरा अरा, जल गया जल गया जल गया। अरे भाई बाहर निकलो। ओए इतनी ऊंची जंप नहीं लगानी थी यार। मैं भी भूल जाता हूँ कि लोगों को बताना नहीं है कि मेरे पास कोई सुपर पावर है। अरे पड़ोसन क्या कर रखा है ये? पूल के अंदर हीटर लगा दिया क्या? अरे नहीं नहीं पता नहीं, मेरे पूल का पानी गर्म हो गया। भाई यार मेरी पड़ोसन का भी पानी गर्म हो गया यार पूल का। अरे चल क्या रहा है ये सब? मुझे नहीं पता। अरे अब मैं नहाऊंगी कैसे? एक सेकेंड, मेरे को लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यार। और किसी का जाके देखता हूँ, किसी और से पूछता हूँ, किसी और के घर का भी पानी गर्म तो नहीं हो रहा कहीं पर। चलो गाइस यार, मैं मेरे पड़ोस के पड़ोस में आ गया। इस वाले घर में तो पूल है नहीं, तो मैं बिल्लू अंकल के पास आ चुका हूँ। बिल्लू अंकल से पूछता हूँ। बिल्लू अंकल, बिल्लू अंकल। अरे कौन बोल रहा है? अरे बिल्लू अंकल, मैं हूँ शार्कू। हाँ बेटे बोल, क्या चाहिए? अरे अंकल आपका पूल का पानी गर्म हो रखा है क्या? अरे पता नहीं, चलो मैं भी चेक कर लेता हूँ जाके। अरे अरे भाई, अरे जल गया, बाहर निकलो जल्दी सी। अरे भाई सब, ये तो बहुत गर्म है सही में। अरे कैसे गर्म हो गया? आज से पहले तो कभी गर्म नहीं हुआ। अरे अंकल पता नहीं, आपका पूल का पानी भी सही बहुत ज्यादा गर्म है। आप मेरे को ये बता सकते आखिर अपने घरों में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? अरे वो तो समुंदर में से आता है। अच्छा समुंदर में से आता है? हाँ वो नीचे वाली जो है ना वहाँ से। ओके ओके, मेरे को शायद समुंदर के पास जाना होगा, वहाँ जाके देखता हूँ आखिर यार इतना गर्म पानी आ क्यों रहा है यार हमारे घरों के अंदर। भाई पूरा पूल गर्म हो चुका है, नहाने में भी मजा नहीं आ रहा। चलो जाके देखते जल्दी सी। चलो गाइस यार, फाइनली हम लोग पहुंच तो गए हैं बीच के पास, पर कुछ तो गड़बड़ है यार, कोई दिखाई नहीं दे रहा पूरे बीच पे। एक लड़की खड़ी है, इससे पूछता हूँ जाके। हेलो मैडम, अरे यहाँ पर चल क्या रहा है? यहाँ पर लोग कहाँ गए? अरे क्या है, क्या पूछ रहे हो तुम? अरे यार ये तो नशे में धुत है यार। एक सेकंड, मेरे सामने नशे कर रही है। ये ले नशे करेगी, अब सो जा यहाँ पर चुपचाप। चलो गाइस यार देखता हूँ यहाँ पर चल क्या रहा है यार। कोई भी दिखाई नहीं दे रहा पूरे बीच के ऊपर यार, कहाँ गए सभी लोग? चल क्या रहा है भाई बीच के ऊपर? ओ ये कौन है भाई? ये क्या कितने बड़े बड़े मॉन्स्टर है यार, मेरे को तो लगता है ये बड़ी शार्क है यार भाई साहब। और ये देखो इन्होंने वही रास्ता ब्लॉक कर रखा है। ये देखो यहाँ से असल में लॉस सैंटोस के पूल्स के अंदर पानी जाता है और यहाँ पर ये दोनों खड़े हैं। मेरे को लगता है ये इतने बड़े जायंट्स हैं, इनके अंदर से इतनी ज्यादा गर्मी निकलती होगी, इसके कारण जो भी पानी इनके नीचे से निकल रहा होगा ना वो पानी गर्म हो जाता होगा। इनसे पूछता हूँ यार ये लोग यहाँ से निकल क्यों नहीं जाते यार, फालतू हमारा सारा पूल गर्म कर रखा है। कौन हो तुम लोग और तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, पूरा पानी गर्म कर रखा है तुम लोगों ने। कौन है तू? हमारी मर्जी, हम कुछ भी करे। हाँ पापा जो बोल रहे वही हमारी मर्जी। अबे तो इतना बड़ा समुंदर रहा, वहाँ जाओ ना। अरे नहीं जाएंगे, किनारे पर मजा आता है। हाँ किनारे पर मजा आता है। अच्छा तुम लोगों की ऐसी तैसी। अरे जाओ जाओ, हम इस पानी को इतना गर्म कर देंगे लॉस सैंटोस के अंदर पानी पीने के लिए नहीं बचेगा। गर्म पानी पियोगे और इंसान मरेंगे। हाँ गर्म पानी पी के मरोगे तुम सभी। वो गाइस ये लोग तो कुछ और ही प्लान बना के आए हैं, असल में ये सारा पानी गर्म कर देंगे जिससे लॉस सैंटोस का सारा पानी गर्म हो जाएगा और लोग मरने लगेंगे। मुझे कैसे करके इन लोगों को भगाना पड़ेगा, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बाप बेटे बहुत ज्यादा बड़े हैं मुझसे, मेरे को मेरे लॉस सैंटोस को बचाना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को एक खतरनाक वाली शार्क के अंदर अपग्रेड करना होगा और उसके इन लोगों की जो बैंड बजाएगा तुम्हारा भाई। चलो गाइस चलते हैं जल्दी सी। गाइस यार मैंने ये तो सोचा ही नहीं यार, आखिर अपने आप को मैं अपग्रेड कैसे करूंगा यार, ये तो कुछ पता ही नहीं है मेरे को। अरे मेरी बात सुनो। अरे कौन बोल रहा है? हाँ भाई कौन? अरे यहाँ पीछे देखो यार तुम, कौन बोल रहा है? अरे एक सेकंड, हाँ बोलो भाई क्या चाहिए तुम्हें? अरे इधर आओ मेरे पास। ओए एक सेकंड, अरे तुम भी एक शार्क हो ना, वो तुम्हारा तो पेट भी निकला पड़ा है। अरे मेरा मोटापे का मजाक मत उड़ाओ। अबे तुम रेड क्यों हो? अरे क्या ही बताऊँ, सुबह सुबह मेरे पूल में गया था मैं, इतना गर्म पानी था, मेरी पूरी स्किन जल गई इसलिए रेड हो गया मैं। अच्छा अच्छा क्या चाहते हो तुम मुझसे? अरे मेरे दोस्त मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। कैसी मदद? अरे यार उन लोगों को भगाओ ना जो हमारे पानी को गर्म कर रहे हैं। तुम्हें भी पता है क्या उनके बारे में? हाँ मुझे भी पता है। फिर करना क्या मुझे? अरे तुम एक अच्छी शार्क लगती है और मुझसे ज्यादा पावरफुल भी, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ पर तुम काफी जवान हो, तुम उनसे लड़ सकते हो। कैसे लड़ू, दिख नहीं रहा कि मैं टिंगा सा हूँ, तुझसे भी टिंगा हूँ मैं।
अरे मुझे पता है, पर तुम इस चीज को खा के अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। ये क्या चीज है भाई? अरे ये असल में शार्क है गे। हैं? ये कैसा शार्क है गे? अरे ये स्क्विड शार्क है गे। अच्छा अच्छा, इसको खाओ और अपने आप को अपग्रेड करो। ओके ठीक है, ट्राई करता हूँ। वो गाइस, ये क्या? ओ मैं तो सचमुच में अपग्रेड हो गया। ओ भाई, मैं क्या कमाल की शार्क में अपग्रेड हुआ हूँ। अरे मैंने बोला था ना, पर अभी मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि उन लोगों से लड़ सकता हूँ। अरे मुझे पता है, पर मैं तुम्हें और भी हेल्प करूंगा। मैं बताऊंगा तुम्हें यहाँ पर कहाँ पर मिलेंगे स्क्विड शार्क एग्स और ज्यादा, जिससे तुम खा के और अपग्रेड हो सकते हो। हाँ, फिर तो मजा आएगा। जाओ जल्दी से, मैं तुम्हें एक पता बताऊंगा वहां ना। ओके ओके चलो भाई साहब। ओके तो गाइस यार, उस मोटी शार्क ने मेरे को यहीं का पता दिया है और मैं पता नहीं कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है वो। ओ मोटे, अरे इधर आओ, कहाँ चिल्ला रहे हो? ओ ये रहा। अरे मोटे, ये कहाँ पर, कहाँ गली में घुसा हुआ है? अरे अरे यार, तुम भी यार चिल्लाए, थोड़ा कम करो ना। मेरी आदत है चिल्लाने की। हाँ तो ठीक है, धीरे बोलो। हाँ अब तुम्हें अगली चीज मैं बताऊँ कहाँ मिलेगी। हाँ वो एग। हाँ तो मेरी बात सुनो, ये जो तुम घर देख रहे हो मेरे पीछे, ये असल में एक साइंटिस्ट का घर है और उसके पास तुम्हें वही सेम एग मिलेगा। अब तुम्हें उससे वो एग लेना है, वो मेरे को नहीं पता तुम्हें उससे कैसे मिलेगा। शुक्रिया चल इतना बताने के लिए, लेट्स गो गाइस। यार चलो अंदर चलते हम लोग। कहाँ पर है यार वो साइंटिस्ट? चलो 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 लेट्स गो, उस साइंटिस्ट से एग मांगता हूँ जाके। अरे पापा मेरे को नहीं पता, ये पूल का पानी गलम हो गया है, मेरे को नहाना है। अरे बेटे मैं क्या करूँ अब? अरे कुछ भी कर लो, ये पूल का पानी ठंडा कर लो, मेरे को नहीं पता, मेरे को ठंडे पानी में नहाना है, गलम पानी में नहीं नहा सकता। पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, इसलिए आप मेरे को गलम पानी में नहला ले। यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? अरे भाई कौन है तू, मेरे घर में क्यों आ गया? अरे सर एक्चुअली मेरे को ये आपका एग चाहिए। अरे नहीं दे सकता, ये मेरा बहुत काम का है, मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है इसको समुंदर में से, इसके ऊपर मेरे को रिसर्च करनी है। अरे पापा आप देखो, आप मेरे को फिल इग्नोर कर ले हो, मैं बता रहा हूँ मेरा नाम टिल्लू है, काम को बिल्कुल करता हूँ खतरनाक वाले, मेरे को मेरा पूल ठंडा चाहिए ठंडा। अरे बेटे मैं कैसे करूँ पूल को ठंडा? अरे मेरे को बस पूल को ठंडा चाहिए तो चाहिए, मेरे को नहीं पता। ओके 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 चिल बच्चे चिल। ओके ठीक है, अगर मैं इस पूल को ठंडा कर देता हूँ क्या बदले में तुम मेरे को एग दे सकते हो? अरे हाँ क्यों नहीं यार, अगर तुम इस पूल को ठंडा कर दे तो मैं तुम्हें एग जरूर दे दूंगा, मैं मेरे बेटे के लिए कुछ भी करूंगा। ओके ओके तो गाइस यार, हमें इस पूल को ठंडा करना है, उसके लिए मेरे को आप लोगों की मदद चाहिए। आप लोगों को पता है जब पानी गर्म हो जाता है तो हम उसे कैसे ठंडा करते हैं? बर्फ से। तो मेरे को चाहिए बर्फ, तो बर्फ लाने के लिए हमें क्या चाहिए? आप लोगों की मदद। आप लोगों को सिंपली कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है आइस, अगर आप लोग चाहो तो कुछ भी हो सकता है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो आइस, जिससे बहुत सारी बर्फ आ जाएगी और हम इसके पूल को ठंडा कर देंगे, मेरे को ये एग मिल जाएगा। तो क्या कर रहे हो आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो आइस। ओके 1 2 3 आइस। ओहो गाइस यार, तुम लोग भी सही में कमाल के हो, देख रहे हो कितनी बड़ी आइस क्यूब आ चुकी है यहाँ पर, आप लोगों ने आइस लिखा ना, तो इतनी बड़े बड़े आइस की क्यूब आ चुकी है। ओ भाई साहब, मेरे हिसाब से अब तुम्हारा पानी ठंडा हो गया होगा, जाओ नहा के देखो अब। अरे पापा ठंडा हो गया होगा ना? हाँ ठंडा हो गया होगा, जाके नहाओ तो तुम। अरे जाके देखता हूँ। अरे वाह ठंडा हो गया पानी, अरे पापा मजा आ गया, बिल्कुल ठंडा ठंडा लग रहा है हमेशा की तरह। ओ बेटे मजा आ गया। हाँ तो साइंटिस्ट जी, जैसा आपने बोला था, मैंने आपके बेटे के लिए पूल को कर दिया ठंडा। अरे मजा आ गया मजा आ गया। हाँ ठीक है। हाँ तो अब मेरे को ये एग चाहिए। हाँ ठीक है भाई साहब, ले लो यार, मैं भी वादे का पक्का हूँ। ओके तो चलो गाइस, इस एग को खाते जल्दी जाके। न्यम, 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 न्यम। वो गाइस ये देखो, हम लोग फिर से अपग्रेड हो गए और कितनी कमाल की शार्क में। अरे ये कैसे हुआ? अरे चलो भाई साहब, ये तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, चलो अब चलते हैं यहाँ से। ओए मोटी शार्क, मेरी और हेल्प करना, मेरे को और कहाँ पर मिलेंगे वो एग, जल्दी बता मेरे को। अरे यार पहली बात यार, तुमने मेरी ऐसी तैसी कर दी, मतलब मेरे को कभी मोटा कभी मोटी, यार ऐसे बेइज्जती क्यों कर रहे हो यार तुम मेरी? अब भाई ये तेरा 6 किलो का पेट लटक रहा है, तो इसमें मोटा तो मैं बोलूंगा ही ना, पेट कम कर जाके, मोटा नहीं बोलूंगा मैं। अरे चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें अगला एग कहाँ पर मिलने वाला है। मेरे पीछे बहुत खतरनाक लोग रहते हैं, ये है चाइना वाले, और यहाँ पर एक आदमी है, वो असल में अपनी दुकान के ऊपर वो सी एग्स का कबाब बना के बेचता है हॉट डॉग में लगा के, तुम्हें उससे वो लेना पड़ेगा। अरे यार ये चाइना वाले भी कभी कुत्ता मार के खाते, कभी बिल्ली मार के खाते, अब ये पता नहीं यार ये शार्क एग्स को भी खाते है, स्क्विड शार्क एग्स को। चलो इस बंदे से पूछता हूँ। अरे भाई मित्र। अरे हाँ भाई साहब, आपको भी चाहिए? बढ़िया मस्त बना के दूंगा हॉट डॉग। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मेरे को हॉट डॉग नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ ये तुम्हारा जो हॉट डॉग के अंदर तुम ये एग लगाओगे ना, ये चाहिए। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये तो हम बिल्कुल नहीं दे सकते। क्यों, पैसे दूंगा ना मैं? अरे नहीं भाई साहब, पैसे से नहीं खरीद सकते तुम उसे, उसकी वजह से तो मेरी दुकान पर भीड़ लगती है, ये बड़ी स्पेशल चीज है, इसको मैं ऐसे नहीं दूंगा, हॉट डॉग के बीच में लगा के टेस्ट आता है इससे। भाई साहब भीड़ तो मुझे एक भी नहीं दिख रही है। अरे भीड़ आज नहीं है तो शाम को हो जाएगी ना। अबे यार मेरे को वो चाहिए। अरे नहीं मिलेगा भैया। अच्छा एक काम कर, मैं तेरे लिए कुछ ऐसी चीज ला दूं जो इसके बदले मुझे तू दे सके। अरे भैया ऐसा कर सकते तो तुम एक चीज ला के दे सकते हो, अगर तुम मुझे 3 जंगली मुर्गे मार के ला के दोगे तो बदले में तुम्हें वो दे सकता हूँ,
जंगली मुर्गे बहुत अच्छे रहते, बस उनको पकड़ना बहुत हार्ड होता है। ओके ठीक है, जंगली मुर्गों को मैं पकड़ के लाऊंगा। कहाँ मिलेंगे? अरे भैया कहाँ मिलेंगे, जंगल में मिलेंगे जंगली जानवरों के साथ। ओके चलो ठीक है यार, चलते हैं जल्दी से, अब मेरे को जंगली मुर्गे पकड़ के लाने हैं, उसके बदले में मैं यार वो एग ले सकता हूँ। तो चलो यार जंगल चलते हैं, जंगल आ रहा हूँ मैं जंगल। यार भगवान भी मेरे साथ नहीं है क्या आज, मतलब इतनी धुंध क्यों है भाई? ये यार इतना हार्ड होने वाला था मेरे को पता नहीं था। मेरे को थोड़ा टाइम हो गया ढूंढते ढूंढते उन मुर्गों को, पर अभी तक मुझे एक जंगली मुर्गा नजर नहीं आया यार। मतलब यार जंगली मुर्गा ढूंढना इतना मेहनत का काम है क्या? चलो अब नीचे चलता हूँ जल्दी से, वहां ढूंढता हूँ। वो अरे नहीं शिट, नाड़ तो नहीं टूट गई? अरे बस बस बस, अरे मर तो नहीं गया ना मैं? हाँ जिंदा तो हूँ। चलो गाइस यार जंगली मुर्गा ढूंढना इतना मेहनत का काम है, मेरे को ये पता नहीं था। एक सेकेंड, मुझे कहीं से जंगली मुर्गे की आवाज आई, तुम लोगों की भी आई क्या? वैसे मेरी 1, 2, 3, 4, 6 आंखें हैं, पर मुझे 6 आंखों से भी दिख नहीं रहा वो जंगली मुर्गा है कहाँ पर। तुम लोगों को नजर आए तो बताना, क्योंकि मेरी 6 है पर तुम मेरे इतने हजारों में दोस्तों, तो तुम्हारी देखो कितनी हजारें आंखें होंगी यार। तुम लोग इजी से उस मुर्गे को ढूंढ सकते हो, कहीं पर दिख रहा है क्या? मुर्गे अरे यार कहाँ पर है मुर्गा, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है यार। अबे यार आवाज आ रही है यार, इन लोगों से पूछता हूँ। ओ भाई साहब, हेलो मुर्गा देखा है क्या यहाँ पर कोई तुमने? हेलो मैडम, अरे तो मैडम है, अरे मैडम आपने कोई मुर्गा देखा है क्या? अरे क्या पागल आदमी है सही में, इनसाइक्लोपीडिया। ए क्या बोली? अरे भाई माफ कर दो पागल, अरे मुर्गा पूछ रहा हूँ मैं तो। अरे मेरे को नहीं पता। अरे यार कहाँ पर है यार मुर्गा, तुम लोगों को दिखाई दे रहा है क्या कहीं पर मुर्गा? मुझे तो मुर्गा दिखाई नहीं दे रहा है। अगर तुम लोगों को कहीं दिखाई दे रहा है तो तुम लोग मुझे बता सकते हो इस फ्रेम के अंदर कहीं भी मुर्गा अगर तुम्हें नजर आ रहा है, अगर वो राइट में तो राइट लिखना, लेफ्ट में तो लेफ्ट लिखना, जहां भी है बताना मेरे को। ओके देखते हैं यार आप लोग बता पाते हो नहीं बता पाते हो। ओके तो गाइस यार आप में से काफी सारे लोग मेरे को बोल रहे कि राइट में मुर्गा है, चलो देखता हूँ राइट में कहाँ है। नहीं दिख रहा यार मेरे को राइट में कहीं भी मुर्गा, कहाँ है राइट में मुर्गा? ओए वो रहा वहां पर मुर्गा, फाइनली मुर्गा मिल गया मेरे को। अरे शुक्रिया दोस्तों आप लोगों का। भाई कितना बड़ा मुर्गा है यार, मैंने मुर्गे बहुत देखे पर ये मुर्गा तो सही में काफी ज्यादा बड़ा है, देख रहे हो भाई मेरी इतने हाइट का मुर्गा है, इसलिए जंगली मुर्गा है। चल जंगली मुर्गे ये ले पटाक। ओके तो गाइस यार यहाँ पर शायद मैंने एक मुर्गे को तो मार दिया है। अरे नहीं नहीं नहीं, उसके साथ नहीं नीचे जाना। अरे खड़ा हो जाओ खड़ा हो जाओ। चलो भाई साहब यहाँ पर हमें एक मुर्गा मिल चुका है, तो हम इसकी हेल्प से बाकी मुर्गों भी ढूंढेंगे। अब मैं बताऊँ क्या करने वाला हूँ, इसको पकड़ूंगा जिंदा, मारूंगा नहीं अभी। हाँ मुर्गे चल मेरे साथ चल। ओके तो गाइस यार फिलहाल हमने इस मुर्गे को पकड़ लिया है, अब जैसे जैसे ये मुर्गा पक पक करेगा वैसे वैसे दूसरे मुर्गे के भी इसके पास जरूर आएंगे। बस अब मेरे को थोड़ी लोकेशन चेंज करनी, दूसरी जगह चलता हूँ। चल मुर्गे अब हो जाओ स्टार्ट जल्दी से, पक पक करना। ओए स्टार्ट हो, अब ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, अबे स्टार्ट होता है ये ले। ओए ओए शाबाश शाबाश, बस अब तो ऐसे करता जा, पक पक पक। ओके गाइस यार दिख रहा है तुम्हें कोई? अरे बस और मत कर। अबे एक सेकंड, लगता है मेरा मुर्गा ये पक 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 नहीं कर रहा, कोई दूसरा मुर्गा है कहीं पर, दिखाई दे रहा है कहीं पर तुम्हें दूसरा मुर्गा? हाँ बात कर, शाबाश शाबाश। पता नहीं ये बोल रहा है वो बोल रहा है, कौन सा आवाज तो आ रही पर दोनों बात कर रहे हैं आपस में। दिख रहा है क्या कहीं पर तुम्हें कोई मुर्गा? ए मुर्गे ओ मुर्गे मुर्गे ओ मुर्गे। ओए बोरा मिल गया, एक और मुर्गा मिल गया यार, हमें जल्दी से जाते इसके पास। ओए ये कहाँ जा रहा है? ओए रुक रुक रुक, तू कहीं जा नहीं सकता, तू मेरा शिकार है इसकी ऐसी तैसी। अबे रुक जा, अब तेज भागना थोड़ा, अब तू कहाँ जाएगा ये ले। ओके तो गाइस यार ये हमारा सीधा हेडशॉट, आजा चल तेरे को भी लेके चलता हूँ। ओके तो गाइस यार यहाँ पर हमने दो दो मुर्गों को पकड़ लिया है, बस एक मुर्गा और पकड़ना है जैसा उसने बोला था। अब तीसरा मुर्गा मेरे को कहाँ मिलेगा यार, सोचना पड़ेगा सोचना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ मिलेगा। चलो आवाज निकलवाएंगे इन मुर्गों से और तीसरा मुर्गा भी पकड़ लेंगे हम लोग फिर। गाइस काफी देर हो गया मेरे को, मैं जंगल से इस साइड आ चुका हूँ, यहाँ पर थोड़ा जंगल कम है पर मुर्गे नहीं दिख रहे मेरे को। हाँ सही आवाज काटते रहो, पक 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 की मिलेगा तो कम से कम। ओए एक सेकंड, दूसरे मुर्गे की आवाज आई और काफी दूर से आई है मेरे को मुर्गे की आवाज इस बार, एक सेकंड देखने दो। ओए वहां पर इतने लोग इकट्ठा काई लू हो रहे हैं यार, चलो देखता हूँ मेरी बंदूक कहाँ है। अबे अबे इन मुर्गों को उतारना पड़ेगा, बंदूक नहीं निकल रही मेरी। ओके तो गाइस यार यहाँ पर मैंने दोनों मुर्गों को मार दिया है, अब ये लोग कहीं जाएंगे नहीं और हम अब देखते हैं वहां पर है क्या। स्कैन स्कैन, ओए देखो यार वहां पर एक मुर्गा है, और यार ये मुर्गा शायद इन बुड्ढों का है, ये शायद इसका रात को मुर्गा कटिंग करने वाले यार इसकी। ओके मेरे को यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करके इन बुड्ढों को साइड लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बुड्ढे कोई मामूली बुड्ढे नहीं है, देखो भाई पूरा खानदान इनका, यहाँ पर देखो कितने सारे बुड्ढे और इनके पास सब हर किसी के पास पिस्टल है, तो उसके लिए आपको अपनी पावर्स यूज करनी पड़ेगी, और मेरे पास है शार्क पावर्स और वो है सही में बहुत ज्यादा डेंजरस, उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है, और ये ले अपनी शार्क पावर्स हो गई एक्टिवेट ब्रो।
चलो अब चलते हैं यहाँ पर। क्या हाल है मित्रों? ये ले, वो वो भाई है ना तुम्हारे भाई की खतरनाक शार्क पावर्स। आजा बुड्ढे तू भी ले, ये ले, वो 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 इतना पावरफुल है कि यार मैं पता नहीं था। अरे तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे बुड्ढे तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा, क्या बिगाड़ सकता है तू मेरा। भागो भागो भागो, शार्क आ गई, भाग बुड्ढे तेरी ऐसी ऐसी। अबे ये तो नंगा था। हाँ वो नंगा था यार, उसने पैंट भी नहीं पहन रखी थी, वो नंगा भग गया भाई डर की मारी। शायद मैंने सभी मुर्गों को मार दिया, अरे सॉरी मतलब सभी बुड्ढों को पीट पाट के भगा दिया। और कोई है लड़ना चाहेगा मुझसे? ओए एक सेकंड भाई, तू यहाँ क्यों खड़ा है, तू भी पिटना। अरे यार फंस गया मैं, अरे रुक जा एक पंच मारने दे ना तेरे को भी। मेरे बेटे रुक जा, अरे एक बाबू आए एक मारूंगा उसमें उठ जाएगा तू। ये एक में गया भाई ये भी। मुर्गे भाई क्या ले, चले तुम्हें लेके। चलो गाइस अब मुर्गों को पेलता हूँ, ये ले। अरे टिक जाना, गया मुर्गा भी। चलो गाइस यार हमने अपने तीनों के तीनों मुर्गे पकड़ लिए। काफी टाइम लग गया यार, कितनी देर हो गया मेरे को यहाँ आए हुए। मेरे को जल्दी करना पड़ेगा इससे पहले कि लॉस सैंटोस का सारा पानी गर्म हो जाए बुरी तरह। जल्दी चलो यार इससे पहले इंसान मरने लग जाए। जल्दी चलता हूँ, भागो 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 भागो। यो चाइनीज भाई, जैसा तुमने बोला था लो मैं तुम्हारे लिए तीन मुर्गे पकड़ के ला चुका हूँ। तीनों तीनों बिल्कुल खतरनाक जंगली है, देखो कितने बड़े बड़े हैं। अरे एक सेकंड देखने दो, रुको रुको मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं भी बैठ के। अरे ये देसी मुर्गे हैं क्या? अरे हाँ ये तो देसी मुर्गे हैं। ओ बेटे, अरे एक सेकंड, ये देसी मुर्गे, ओ माय गॉड, मुझे देसी मुर्गे बहुत ज्यादा पसंद। अरे मजा आ गया रे, मेरा तो बिजनेस चल गया। ओ बेटे मजा आ गया, मेरे तो मुर्गे बिकेंगे बहुत ज्यादा, दो कस्टमर भी आ गए। हाँ भाई साहब शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरे को मुर्गे लाके दे दिए तीन मुर्गे। ठीक है तो अपने चाइना वाले भाई, जैसा मैंने बोला था तुम्हें मैंने तीन मुर्गे लाके पकड़ा दिए। अब मैं अपना खाता हूँ, मतलब मेरा जो एग है वो लेता हूँ मैं। चलो गाइस अपने आपको अपग्रेड करते हैं। वो गाइस यार ये देखो मैं कितनी खतरनाक वाली शार्क के अंदर अपग्रेड हो चुका हूँ। भाई साहब मेरे ऊपर देखो क्या खतरनाक वाला आर्मर आ चुका है भाई, अब तो सही में मैं सुपर कूल लग रहा हूँ यार। चलो गाइस यार वापस चलते हैं उस मोटे शार्क के पास और उससे पूछता हूँ कि मेरे को और कहाँ पर मिलेंगे जिससे मैं अपने आप को और भी ज्यादा अपग्रेड कर सकता हूँ। लेट्स गो, आई मर गया। ओ गाइस यार फाइनली मिल गया, बिग टम शार्क। अरे अरे चलती आओ चलती आओ, कितनी देर लग गई तुम्हें? अरे कुछ नहीं यार, ये वाला सूट देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा था। हाँ हाँ चलो चलो अब चल ही जाओ, क्या करना है? अरे मेरे पीछे जहाज देख रहे हो तुम? कौन सा, ये वाला? हाँ यही बड़ा वाला जहाज। अरे ये पलट गया है, इनमें से कई कंटेनर्स के अंदर असल में वही एग है जो हमें चाहिए। जाओ तुम्हें पानी के अंदर जाना पड़ेगा और उनको ढूंढना पड़ेगा, पर थोड़ा जल्दी करना क्योंकि जो इस शिप का मालिक है वो किसी वक्त आता होगा, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो बहुत मारेगा। ओके ओके ठीक है ठीक है। चलो गाइस यार सबसे पहले हमें शिप पे जाना है। शिप पे जाने के लिए मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? अरे भाई सब शिप पे कैसे जाऊँ, कोई तो दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई बाइक नहीं है यहाँ पर? ओ बाइक 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 बाइक। ओए देखो गाइस यार वो रही वहाँ पर बाइक, पता नहीं किसकी बाइक है, छोड़ो मेरे लगता है इनमें से किसी वर्कर की होगी। जल्दी से लेता हूँ, अब तुम्हारा भाई इस बाइक का यूज करके शिप के ऊपर जाएगा। और तुम लोग सोच रहे हो कैसे, बस देखना तुम्हारे भाई का दिमाग। और ये हम लोग चले फुल स्पीड में, और ये देखो है ना तुम्हारे भाई के अंदर दिमाग आ गए। चलो हम लोग शिप के अंदर। ओके चलो बस मेरे को यहाँ पर वो एक्स ढूंढने हैं। और यार यहाँ पर ये सारे के सारे कंटेनर नीचे गिर चुके, तो शायद मेरे सबसे शिप के ऊपर तो हमें नहीं मिलने वाला कुछ भी। भाई सब कितना गंदा गिरा सही में। चलो इस तरफ चलता हूँ। अरे 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 पहले शिप के अंदर देख लेता हूँ, क्या पता शिप के अंदर ही हो यहाँ पर। कहीं पर दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं यार मतलब पानी के अंदर ही होने वाले वो एक्स। चलो पानी के अंदर चलते हो। चलो यार एक तो तुम्हारा भाई शार्क है ना, तो सांस तो घुटने की कोई दिक्कत है नहीं। चलो धीरे 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 भाई कितने सारे कंटेनर से सेमी। कहाँ पर है कहाँ पर वो एग दिख जाए यार, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, जल्दी करना पड़ेगा इससे पहले शिप का मालिक आ जाए। कौन सी कंपनी के है ये पता नहीं यार, कौन सी कंपनी के कंटेनर से, बहुत सारे कंटेनर से यहाँ पे। चलो यार अगर तुम लोगों को किसी को दिखे ना जो मैं ढूंढ रहा हूँ एग्स तो बताना मेरे को। अरे पानी के अंदर घटिक 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 घटिक, अरे कहाँ पर है, मिल जाना। ओए ये देखो गाइस यार मेरे को पहला एग मिल गया जो यहाँ पर इन कंटेनर्स के नीचे दबा हुआ है। चलो भाई सब इसको खाता हूँ जल्दी जाके। ए अरे 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 यार पानी के अंदर मेरे को तैरना नहीं आता अच्छे से। चलो इसको खाते जल्दी से। नम 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 नम। तो गाइस यार यहाँ पर हमने एक को खा लिया पर अभी तक हम अपग्रेड नहीं हुए, शायद मेरे को और भी ज्यादा ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि हर बार एक से तुम अपग्रेड हो नहीं सकता ना। इस वाले कंटेनर के पीछे जाके देखता हूँ क्या पता इसके पास हो। कहाँ है कहाँ है, यहाँ पर तो नहीं है यार। एक तो नीचे बहुत ज्यादा कालापन है यार, ज्यादा दूर तक मुझे दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है ढंग से। उस तरफ जाके देखते हैं यार, यहाँ पर काफी सारे कंटेनर है, क्या पता यहाँ पर हो, इन पत्थरों के पीछे हो। नहीं यहाँ पर भी नहीं है, ये सबसे दूर पड़ा है कंटेनर, क्या पता इसके पास हो। यहाँ पर भी नहीं है यार। चलो कंटेनर्स के बीच में घुसना पड़ेगा भाई, कितने करोड़ों का नुकसान हुआ जिसका भी ये शिप होगा भाई, पता नहीं कैसे पलटा होगा। यहाँ पर चलते अंदर की साइड। ओके यार अंदर की साइड आ चुके, यहाँ पर है कहीं पर, यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा। ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर, नहीं 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 इस तरफ भी नहीं है कहीं भी। अरे कहाँ है यार वो? ओए ये देखो भाई सब, इन सभी के सभी कंटेनर्स के बीच में एक एग। चलो यार फाइनली मेरे को एक लास्ट एग भी मिल चुका है शायद, इसको खाने के बाद मैं अपग्रेड हो जाना चाहिए पक्का।
अरे भाई कहाँ आगे चला गया मैं, शिट फंस गया भाई, निकलना पड़ेगा यहाँ से, नीचे की साइड से निकलता हूँ जल्दी सी। अरे यार कितना ज्यादा हार्ड है यार सही में ये चीज करना। अरे यहाँ से निकलता हूँ, अबे ऊपर 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 थोड़ा सा नीचे, और कहाँ गया? अबे भाई अभी तो मैंने देखा था, अरे कहाँ चला गया? अरे ये रहना यार, ये मछलियाँ देख रहे हो कितनी ज्यादा इसके पास, क्योंकि यार मछलियों को ये चीज बहुत पसंद आती है शायद इसलिए। चलो अब इसको खाते जल्दी से। वो गाइस, अरे भाई यार ये क्या हो रहा है, सुबह से गिरता ही जा रहा हूँ, आज तो पहले गर्म पानी में गिरा, अब नहीं पता कहाँ गिर गया आके। यहाँ पर क्या चल रहा है? ओए ये क्या है भाई, यहाँ पर एक सेकंड, ये तो कोई शार्क है ना, और ये वो पीला बर्ड है ना, और ये क्या है, ये भी कोई शार्क है क्या? तुम्हारा स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैम चैलेंज के अंदर। मेरा नाम है ओशियन बर्ड। हैं? ओशियन बर्ड, ये क्या चीज है? हाँ, हम ओशियन में रहते हैं। अच्छा, हाँ, आज मैं ये खतरनाक वाला रैम चैलेंज करा रहा हूँ, और जीतने वाले को एक तोहफा मिलेगा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें यहाँ पर करना क्या है। तो ये रैम चैलेंज तुम दो और ये तीसरा तुम तीनों के बीच में होगा। यहाँ से तुम्हें गाड़ी लेनी है, उसके बाद तुम यहाँ से सामने जाओगे, इन बर्गर्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा के तुम्हें यहाँ से गाड़ी को कंट्रोल करके इस तरफ आना है। मुझे ये सब देखने में बड़ा मजा आता है। फिर तुम यहाँ आओगे, उसके बाद तुम्हें यहाँ से यहाँ जाना है, उसके बाद तुम फिर बर्गर्स पे आओगे, मेरे पापा तुम्हें आखिर में मिलेंगे, और यहाँ पर तुम टपाक टपाक करते हुए कहाँ गया रास्ता यहाँ पर आओगे, और उसके बाद यहाँ से यहाँ जाओगे। और इसे नहीं पता क्या बोलते मेरे पापा लाए थे समुन्द्र की गहराइयों से। आखिर में तुम मेरे पापा के पास पहुँचोगे जो बहुत ज्यादा बड़े है, और मेरे पापा के पास तोहफे में तुम्हें मिलेंगे तीन खतरनाक वाले मेरे पापा के अंडे। क्या? वो तेरे पापा के अंडे? हाँ। अबे वो तो मुझे पता नहीं क्या एग वेग बता रहा था। नहीं, मेरे पापा के अंडे। अरे छी। ओके तो गाइस यार मेरे को लगता है ये कोई देवता टाइप में है यार, मेरे को अंडे चाहिए क्योंकि मेरे को लॉस सैंटोस बचाना है। ओए गाइस ये बत्तख कैसी है, और इसकी आंखें देख रहे हो कैसे गंदी आंखें यार इसकी, छी। अबे यार ये बत्तख यहाँ पर कर की आ रही है, वैसे कोई मेरे को बताएगा? अरे भाई साहब बड़ी गंदी बत्तख है यार। भाई एक बत्तख को कौन लेके आया, इस बत्तख को निकालो यहाँ से कोई पहले। ओए कोई किसी को नहीं निकालेगा, वो बत्तख भी अंडे जीतने आई है, तो अंडे जीतने दो उसे, अगर वो जीत गई तो। गाइस यार अगर वो बत्तख यहाँ पर जीत गई, मतलब ये बत्तख यहाँ पर जीत गई, तो समझो तुम्हारे भाई का तो पत्ता कट जाएगा यार, इतनी मेहनत की है यार मैंने। वैसे बत्तख अबे तेरे को अंडे चाहिए क्यों है यार? वो एक सेकंड, हाँ मेरे को याद आया, वो पीला जो बर्ड होती है वो हवा में उड़ नहीं सकती, शायद यार इसको वो अंडे इसलिए चाहिए जिससे अपने आप को अपग्रेड करके अपने पंख ला सके। हाँ ये भी हो सकता है। अबे शायद ही हाँ भर रही है। अबे ओ पीला टेंशन मत ले, अगर तुम मुझे अंडे जीतने देगी तो मैं सब कुछ सही कर दूंगा, मैं उन मॉन्स्टर्स को भगा दूंगा यहाँ से। हाय वो मॉन्स्टर, वो तो हमने ही भेजे थे, मतलब हमें पता था अगर हम जब तक वो मॉन्स्टर्स नहीं भेजेंगे जब तक कोई भी रैम चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अच्छा ये तुमने खुद से किया है? हाँ हमें बड़ा मजा आता है। भाई ये गलत बात है ना यार, तुम लोगों की वजह से लॉस सैंटोस में कितना बड़ा संकट आ गया है, मतलब हाय मजा आता है। अरे भाई यार ये लोग भी अजीब है। अब ओ पीला बर्ड मान जा यार, मत जीत, अगर तू जीत गई तो सब लोग मारे जाएंगे। ओ ये देखो भाई ओ पीला बर्ड ने बात मान ली हमारी। ओ पीला बर्ड ने चाहे तुम्हारी बात मान ली पर मैं नहीं मानूंगा। अब तू कौन है भाई, तू कहां से आया है? मैं यहाँ पर जीतने आया हूँ, और ये मैं चला। गाइस यार ये कौन है और इसके हाथ में त्रिशूल क्यों है? क्योंकि मैं बनने वाला हूँ इस लॉस सैंटोस के समुद्र का अगला राजा। अच्छा ये शायद वैसा ही कुछ हथियार है जैसा उसके पास होता है एक्वामैन के पास। हाँ वही है ये। अबे तुझे क्या लगता है अगर तू एक्वामैन जैसा हथियार लेके आ जाएगा तो तू समुद्र का राजा बन जाएगा? हाँ बिल्कुल सही समझा तुमने। नहीं ब्रो ऐसे नहीं बनते किसी का राजा। नहीं मैं जरूर बनूंगा, ये देखो बस ऐसे टपक टपक करते ही तो जाना है। ओह गाइस यार ये आदमी भी सही में अजीब है। हे जीतूंगा तो मैं ही। एक सेकेंड, अगर तू जीत जाता है तो लॉस सैंटोस में से उन अजीब से मॉन्स्टर्स को भगा देगा? नहीं मैं क्यों भगाऊंगा। अबे यार तू समुद्र का राजा भी बनेगा और ये भी नहीं करेगा? नहीं मुझे तो लॉस सैंटोस पे राज भी करना है ना साथ में। अबे यार मतलब तेरे को समुद्र पे भी राज करना और लॉस सैंटोस पे भी राज करना है? हाँ एकदम सही। अबे एक जगह ही राज कर लेना, दो जगह राज करके क्या करेगा? नहीं उसमें तो मजा है दो जगह राज करने में।
अबे यार अगर ये आदमी जीत गया तो समझो बिल्कुल ही खराब होगा। ओपीला कम से कम अपनी अपनी तो देखता और अपने बच्चों का देखता, ये आदमी तो ओपीला से भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ, मैं हूँ बहुत ज्यादा खतरनाक। और भाई ये काफी अच्छा कर रहा है, और वैसे देख रहे हो कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। जीतूंगा तो मैं ही। हाँ वो तो टाइम बताएगा कौन जीतेगा। और ये भाई साहब ये वहां पर पहुंच गया जहां पर ओपीला डिस्क्वालीफाई हो गई थी। प्लीज भगवान ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाए, यहाँ पर तो कितना मजा आएगा। नहीं मैं नहीं होने वाला, क्योंकि मैं हूँ एक खतरनाक ड्राइवर। अबे एक सेकंड, तुम लोगों को गाड़ी किसने चलानी सिखाई समुद्र में रहते हुए भी? क्यों समुद्र में गाड़ियां नहीं होती क्या? अबे समुद्र में कौन सी गाड़ियां होती है? समुद्र में समुद्र की गाड़ियां होती है। अच्छा ऐसा कुछ भी होता है। गाइस यार अगर ये सेमी यहाँ पर जीत गया तो सोच लो तुम्हारे भाई का पानी उड़ जाएगा, गर्म पानी हो जाएगा। क्यों अबे मेरे को छींक क्यों आई? ऐसा लगता है मेरे को कोई याद कर रहा है। अरे सिर्फ तुम्हारी मौत तुम्हें याद कर रही है। अबे मेरी मौत मेरे को याद क्यों करने लगी? मेरी मौत तो मेरी दोस्त है। अच्छा ऐसा भी कुछ होता है कि इंसानों में? हाँ मेरी मौत मेरी दोस्त है। अच्छा रुको रुको एक सेकंड, एक बार मैं जीत जाऊंगा जब तुम्हारी मौत तुमसे जरूर मिलने आएगी। तेरे सपने में जीतेगा तू, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे साथ है। कौन है तेरे दोस्त? जो हमारी वीडियोस देखते हैं। अच्छा वो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? वो तेरा सब कुछ बिगाड़ सकते हैं, अगर मैं उनको बोलूं तो तेरे को डिस्क्वालीफाई तक भी करा सकते हैं। मुझे नहीं लगता तेरे दोस्त ऐसा कुछ करा पाएंगे। गाइस यार ये आप लोगों को अंडरएस्टिमेट कर रहा है। हाँ, कर रहा हूँ। गाइस यार इसको तो समझाना पड़ेगा, इस मछली की बैंड बजानी पड़ेगी। कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो डिस्ट्रॉय, जिससे ये हार जाए यहाँ पर। नहीं हारूंगा मैं, ये देख कैसे कंट्रोल कर ली मैंने अपनी गाड़ी को हारते हारते भी। अबे यार ये तो सेमी काफी अच्छी गाड़ी चला रही है, सेमी जीत गया तो जीतूंगा तो है ही, उसमें कोई दो राय थोड़ी है। अरे ठीक है चलो मैं चलाइए आके सूठी। अरे ये एकदम परफेक्टली। ओ भाई साहब ये तो सेमी काफी अच्छा करे जा रहा है यार। हाँ काफी अच्छा। ये भाई ये तो आगे बढ़ते जा रहा है सेमी। ओ भाई कमाल है, पलटा दी इसने तो गाड़ी। ए नहीं 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 नहीं, अरे बच गया। गाइस यार क्या है, डिस्क्वालीफाई हो जाना जल्दी से यार, क्यों दिमाग चाट रहा है मेरा। नहीं होऊंगा मैं डिस्क्वालीफाई, क्योंकि मैं जो जीतने आया हूँ यहाँ पर। अरे ये क्या, अरे यार ये तो सेमी में डिस्क्वालीफाई हो गया। अरे सुमित रुको यार, मुझे तुम्हारी मदद करनी, अभी मत जाना। ये लो। अबे ये तेरे पिछवाड़ा कैसा है? अरे सॉरी सॉरी मेरा पिछवाड़ा मत देखो। हाँ तुम ये काम देखो, ये तुम बाइक लेके जाना, गाड़ी मत लेके जाना। ओ भाई क्या मैं बाइक लेके जा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं लेके जा सकते हो। बोलो क्यों नहीं लेके गए? अरे मैं भूल गया था बाइक लाना। अच्छा चलो शुक्रिया तेरा भाई, आखिर वक्त में भी हमारे मोटे भाई ने मदद की। अरे मुझे मोटा भाई मत बोला करो यार। शुक्रिया शुक्रिया एक और बात। चलो गाइस यार ये बाइक से काफी इजी हो जाएगा देखो, क्योंकि बाइक के अंदर काफी अच्छी पावर होती है और मैं इसको इजीली कंट्रोल भी कर पा रहा हूँ। और हम लोग देख रहे हो कितनी इजीली ऊपर चढ़ते जा रहे भाई, और यहाँ पर उन लोगों को कितनी दिक्कत हो रही थी। ओ एकदम परफेक्टली। गाइस यार ये आप लोगों की वजह से ही हुआ है, अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करते ना तो ऐसा कभी नहीं होता यार, और ये टाइम पे कभी नहीं पहुंच पाता। ओए शायद इसलिए मेरे को छींक आई थी, क्योंकि यार ये मेरे को याद कर रहा होगा। हाँ अपना मोटा भाई अपा को याद कर रहा था, इसलिए मेरे को छींक आई थी। मेरे को लग ही रहा था कोई तो मेरे को याद कर रहा है यार, तुम्हारा भाई है तो सेमी जीनियस। चलो गाइस यार ये देखो हम लोग ने कितनी इजीली कर मारा उसको। नाइस नाइस नाइस। अब यहाँ से बाइक घुमानी और ऊपर चढ़ानी, चढ़ तो जाएगी ना। ओ ये देखो कितनी इजीली हमने ऊपर बाइक भी चढ़ा दी यहाँ पर, बिल्कुल परफेक्ट यार, एकदम सही है ये तो। अब इसको चढ़ानी है और ये, अरे अरे भाई नहीं नहीं चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। बेबी चढ़ गई बिल्कुल, बस तो भाई एकदम कमाल चीज है यार ये सेमी बाइक चलाना तो। अब चलो धीरे धीरे चलते हम। ओ एकदम परफेक्ट, धीरे धीरे एकदम नाइस। ओ ये नहीं 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 धीरे। ओ एकदम परफेक्ट नाइस। अरे ये भी हो गया। चलो भाई हम लोग ने अभी तक तो काफी सही किया है, और यहाँ पर हम लोग एक बार भी नीचे गिरने के कोई चांस भी नहीं बने यार। यार ये बोतल वाला मेरे को सबसे ज्यादा हार्ड लग रहा था जब मैं उन लोगों को देख रहा था, पर यार मेरे लिए काफी ज्यादा ईजी है, क्योंकि मेरे पास बाइक है, उन लोगों के पास गाड़ी थी, तो बोतल के ऊपर ज्यादा जिगा तो थी नहीं, इसलिए मेरे को लगा था कि मैं यहाँ पर हार सकता हूँ। ऊपर से उसने जो गाड़ी ली थी यार वो मुझसे ज्यादा अच्छी ली थी, वहां पर जो गाड़ियां बची थी वो भी कुछ ज्यादा खास नहीं थी। ओके भाई अभी सामने कुछ दिखा नहीं था, बच गया। चढ़ जा बेबी। ये लो भाई यहाँ पर भी चढ़ा लिया बाइक अपनी, अब यहाँ से ऊपर चढ़ाना है, और यहाँ पर भी हम लोग इजी सबसे पहले आगे से पहले उठा लेता हूँ। अरे नहीं 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 चढ़ जा और ये, ओ भाई चढ़ गए बिल्कुल परफेक्टली। अरे कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आगे से उठा देता हूँ। ओ भाई ये आगे हम लोग टॉप पर बिल्कुल परफेक्टली। घुमाओ बस अब हमें सीधा जाना है, और यार यहाँ पर अभी थोड़े और कैंस हैं, इनके ऊपर और चढ़ानी है हमें बिल्कुल परफेक्टली। धीरे कोई दिक्कत नहीं है। ये अल्लाह भाई धचक धचक मचक मचक, ये चढ़ गई। फाइनली यार यहाँ पर भी हम लोग पहुंच गए। अब भाई साहब थोड़ा सा और, उसके बाद लो सेंटोस बच जाएगा। अरे एक सेकेंड अभी भी बहुत ज्यादा बच रहा है यार, देखो अभी तो मेरे को एक चक्कर और मारना है, यहाँ पर भी घूम के जाना है यार, ये तो काफी ज्यादा है। गाइस यार आप लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी, आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना पड़ेगा यार सुपर, जिससे यार मैं सुपर राइडिंग करूं। अगर मैं सुपर राइडिंग नहीं कर पाया तो मैं यहाँ पर हार सकता हूं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग क्या कर रहे हो जल्दी से लिख दो सुपर। और ये बिल्कुल परफेक्ट,
चलो 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 यहाँ से लगाइए हमने जंप। और ये नहीं 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 ब्रेक 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 बच गए भाई, थोड़ा सा रह गया। अगर मेरी थोड़ी और भी ज्यादा स्पीड होती तो मैं सीधा नीचे जाता। और यहाँ पर एक और जंप लगाई हमने और ये भी बिल्कुल परफेक्ट, और ये भी लग गए यहाँ पर ब्रेक्स। अब यहाँ पर ओ शिट 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 चढ़ जा भाई चढ़ गई। अरे भाई साहब चढ़ गई फाइनली। और ये लगा एक और जंप, अरे ये कुछ ज्यादा हो गई शायद। क्या बार बार बचाऊं, ये तो सही में मैंने बूस्ट लगा दिया था बाइक का वरना सीधा मैं नीचे जाता। और ये लो भाई पहुंच गए, बस थोड़ा सा और उसके बाद यार हमें अंडे मिल जाएंगे जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी है, और हम एक खतरनाक जायंट वाली शार्क के अंदर अपग्रेड हो जाएंगे। और फिर भाई साहब उन मॉन्स्टर्स को मारूंगा मैं जाके। और ये अबे यार कितनी ज्यादा आग लगा रखी है इन लोगों से। अब मेरे को बस इन बर्गर्स के ऊपर जाना है एक एक करके धीरे धीरे। बचाओ भाई गलत चला जाता है। एक तो ये कैमरा एंगल क्यों शिफ्ट हो रहा है पता नहीं यार किस लिए शिफ्ट हो रहा है, पर ठीक है जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बहाने मेरे को ये तो पता लग रहा है कि कितना गैप है इन बर्गर की बंस के बीच में। और यहाँ पर देख रहे हो एकदम बढ़िया तरीके से एकदम ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब मेरे को बस यहाँ से सीधा जंप लेना है। और ये लगा हमने जंप और ये 360 हम लोग घूम गए वो, और ये सीधा लैंड परफेक्ट। तो मतलब हम लोग जीत चुके हैं। हाँ तुम जीत चुके हो और ले लो मेरे अंडे। चलो गाइस यार मेरे अंडे लेने के बाद तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, बहुत ज्यादा ताकतवर। शुक्रिया आपका बहुत ज्यादा। चलो गाइस इन अंडों खाता हूं जल्दी सी। भाई साहब ये देखो मैं कितनी बड़ी शार्क के अंदर अपग्रेड हो चुका हूँ। वो भाई पानी के अंदर देखो मैं कितना ज्यादा जाइंट लग रहा हूँ। ओए भाई साहब मैं तो सेमी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, ये देख रहे हो कितना कमाल का लग रहा हूँ यार मैं। यही तो चाहिए था मेरे को, मैं फाइनली अपग्रेड हो चुका हूँ एक अल्टीमेट शार्क के अंदर, जो कि सेमी बहुत ज्यादा कमाल की है दिखने में। देख रहे हो यार क्या लग रहा है तुम्हारा भाई सेमी। चलो गाइस यार अब मेरे को जाकर उन मॉन्स्टर को भगाना है जिससे यार वापस लॉस सैंटोस का पानी ठंडा हो जाए, वरना तो बहुत देर हो जाएगी। चलो गाइस यार अब इनको बताता हूँ मैं। ओए कहाँ गए ये लोग, दिखाई क्यों नहीं दे रहे मेरे को। अच्छा मुझसे कुछ ज्यादा छोटे हो गए क्या तुम दोनों बाप बेटे। अरे तुम कौन हो? मैं वही हूँ जो सुबह आया था तुम लोगों को धमकाने के लिए। अरे पापा ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? अरे तुम इतना ताकतवर कैसे हो गए सैमी? ये कैसे किया तुमने? मैंने अपने आप को अपग्रेड किया तुम लोगों की बैंड बजाने के लिए। अब तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम लोगों को मारूं। अरे नहीं जाएंगे। अबे रुक जा तेरी ऐसी, जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए ना। अरे मेरे बेटे को मारो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा तू क्या करेगा मेरा, तेरे बेटे को जैसे मारा तेरे को मारूंगा मैं। अभी रुक जा बताता तेरे को। और अब तेरी बारी, ये ले यार हमें ज्यादा नहीं अट्रैक है तू। ये तो बहुत ताकतवर है। तो गाइस यार फाइनली मैंने बाप बेटे को ठिकाने लगा दिया, और ये बेटा कैसे कबूतर की तरह उड़ता जा रहा है यार समझ भी नहीं आ रहा। अब अपने लॉस सैंटोस का पानी वापस से गर्म नहीं होगा, ठंडा ही रहेगा। अब निकलना यार, कैसे कबूतर की तरह उड़ रहा है इसका बेटा। रुक जा तेरे को पकड़ के बजाता हूँ। अब ये ले, अब कहाँ जा रहा है, रुको ना। अब तब तो बहुत बोल रहा था, ये ले इसका बेटा, इसका बाप कहाँ गया। रुक जा इसके बाप को भी बताता हूँ। अरे अंकल जी अरे कहाँ गए, थोड़ा बहुत शेर बोझ तो ले लो मुझसे। अरे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ गए यार? पता नहीं यार शायद वो गायब हो गए, कुछ ज्यादा ही तेज मारा होगा तुम्हारे भाई ने। तो गाइस यार फाइनली हम लोग एक अल्टीमेट शार्क के अंदर अपग्रेड हो चुके। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी मेक शुरू लाइक करना, चैनल पर भूले बट क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे कोई नई वीडियो नई स्टोरी के साथ, जब तक लिए राम राम जी। We know how to party, pull out the